मधेपुरा के पुरैनी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष सुबोध यादव ने किया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पर्व त्योहार आपसी सामंजस्य और सौहार्द का प्रतीक होता है, इसलिए सभी समुदाय और जाति मजहब के लोगों को आपस में मिलकर पर्व त्योहार मनाना चाहिए। बताया गया कि 10 सितंबर को पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की जरूरत है तथा शांति समिति के सदस्यों से उन्होंने अनुरोध किया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में सहयोग करें। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि SDO SZ हसन ने पुरैनी प्रखंड क्षेत्र के सभी वर्गों एवं नागरिकों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम मेला में करीब 2-2 दर्जन सदस्य कमेटी निर्माण सूची को अपडेट कर उनकी सूची थाना को उपलब्ध करवा दे। उन्होंने यह भी कहा कि मेला परिसर में पर्याप्त रोशनी सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी और मेला में इस्लामिक झंडे के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं हो। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मेले के अंदर पुलिस पदाधिकारी के अलावा दंडाधिकारी की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी हम लोग देंगे। डॉक्टर साहब को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है, मेला जहां लगता है ब्लीचिंग पाउडर और चूना मेला कमेटी को दे देंगे, छीट देंगे, तो फिर वहां पे आपको कहीं कोई दिक्कत बीमारी की बात नहीं होगी। जहां बड़ा भीड़ लगता है वो अस्थाई चापाकल की बात है, तो PhD के एक्सक्लूडिंग मेयर से हम बात करेंगे। वो अस्थाई चापाकल का प्रोविजन रहता है, हम लोग उसको मेला तक के लिए गड़वाएंगे, फिर वो उखाड़ के लेंगे।